नमस्कार जी, मैं संध्या। फ्रेंड्स, आज हमारे यहाँ जोरों की बारिश हो रही है, तो मैं आपको कुछ ये इंडोर प्लांट्स दिखा रही हूँ जो कि मेरे इंडोर में रखे हुए थे, तो इनको फटाफट से मैंने बाहर रख दिया। इससे क्या होगा कि मेरे प्लांट भी अच्छे धुल जाएंगे और उनकी पत्तियाँ भी साफ़ हो जाएगी, जो हल्की फुल्की धूल सी होती है, क्योंकि कमरे में कितना भी इसके ऊपर स्प्रे वगैरह करके रखिए तो धूल तो देखिए डेली का डेली ही आता है और डेली हम स्प्रे नहीं कर पाते हैं। तो मैंने इनको बाहर रख दिया है ताकि बारिश के पानी से इनकी पत्तियाँ धुल भी जाएंगी और साफ़ हो जाएंगी, चमक जाएंगी, और दूसरी बात बारिश का पानी भी इनको मिल जाएगा। और इधर मैंने एक बाल्टी भी रखी हुई है तो उसमें बारिश का पानी स्टोर हो जाएगा, तो जिन प्लांट को बारिश का पानी नहीं मिल पा रहा है उसमें मैं बारिश का पानी डाल दूँगी। तो बारिश के पानी में जो बहुत मतलब अच्छा माना जाता है प्लांट्स के लिए, और उसमें नाइट्रोजन होता है और थोड़ा सा एसिडिक भी होता है वो, तो इसकी सॉइल को भी अच्छा कर देता है और पत्तियाँ भी इसकी लश ग्रीन हो जाती हैं, बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। तो ये देखिए, मैंने कुछ इस तरीके से इनको बाहर निकाल दिया है। और हाँ, जिन पेड़ों पे ज़्यादा मिली बग वगैरह का अटैक हुआ होगा, अब उन्हें नीचे ज़मीन पे आ जाएंगे, और ज़मीन पे आ जाएंगे और वो पेड़ जो है बिल्कुल अब अच्छी ग्रोथ पे अपने आ जाएंगे और मिली बग से उनको छुटकारा मिल जाएगा। तो इस पानी से मिली बग वगैरह जो प्लांट में लगे होते हैं उनसे भी छुटकारा उनको मिल जाता है, मतलब इस बारिश के पानी से। तो हमारे यहाँ बारिश हो रही है और रुकने का तो उम्मीद नहीं लग रहा है, क्योंकि धीरे धीरे हो रहे हैं और बादल घिरते आ रहे हैं। ये देखिए, बादल बिल्कुल घिरे हुए हैं एकदम से। और इस वाले आम के पेड़ पे बहुत मिली बग लगे हुए थे, इसकी वजह से ऊपर छत में लगे हुए मेरे जो बनाए हुए मेरे गार्डन है उसमें बहुत प्लांट में मिली बग लग गए थे। अब ये सब साफ़ हो जाएंगे और वो भी सब साफ़ हो जाएंगे। तो काफ़ी हद तक जो है मैंने उस पर कंट्रोल तो कर लिया था मैं नीम ऑयल से, लेकिन फिर भी एक दो प्लांट में थे तो अब वो सब साफ़ हो जाएंगे। तो इस तरीके से देखिए, इनमें अब चमक आ जाएगी सारे प्लांट्स में। ये देखिए फ्रेंड्स, तो आपके एरिया में भी अगर बारिश ऐसी हो रही है या होने वाली है तो आप प्लांट की इस समय रिपोर्टिंग भी इस टाइम कर सकते हैं, और उसे पानी बारिश का लग जाएगा तो वो मतलब अपने आप ही इस्टेब्लिश हो जाते हैं फिर अच्छे से, और अच्छी ग्रोथ पे आ जाते हैं जल्दी से जल्दी। तो इस समय अगर प्लांट अगर आपने बाहर कर निकाल रखा है तो निकाल दीजिए, नहीं निकाला है तो निकाल दीजिए, और या तो अगर मान लीजिए नहीं निकाल पा रहे हैं तो ऐसे कोई बाल्टी ही रख दीजिए और उस पानी को प्लांट के जड़ों में भी दे दीजिए मिट्टी में, और उसको फिर स्प्रे भी कर दीजिए, तो इससे भी मतलब आपके प्लांट को बारिश का पानी मिल जाएगा। तो इस तरीके से देखिए, मैंने अपने बैकयार्ड में सारे प्लांट निकाल रखे हैं, तब इनको बारिश का पानी मिल जाएगा। थोड़ी देर तक मैं इनको यहीं रहने दूँगी, फिर उसके बाद धीरे धीरे जहाँ मतलब मैंने इनको शिफ्ट किया था वहाँ मैं शिफ्ट कर दूँगी, क्योंकि फिर तेज़ धूप होगी अगले दिन तो फिर उसकी वजह से फिर प्लांट ख़राब भी हो सकते हैं, क्योंकि फिर क्या होगा कि बहुत तेज़ धूप होने की वजह से बारिश का पानी भी इनमें इसकी मिट्टी में है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो वाष्प बन के उड़ेंगे और गर्म बिल्कुल वो होंगे, जैसे प्लांट जल जाएंगे। तो उसकी वजह से मतलब धूप निकलने से पहले फिर मैं इनको छाए में रख लूँगी। तो फ्रेंड्स, बस यही दिखाना था, यही बताना था, और उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। देखिए बादल कितना तेज़ गरज रहे हैं, शायद आप लोग सुन पा रहे होंगे। तो मेरे चैनल को अगर आप लोग को पसंद आया होगा तो आज की वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक शेयर कमेंट करिएगा। मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। तो इसी तरह अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखिए, ग्रीन बनाइए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।